ऑल ऑफ यू, मेरा नाम कविता है, मैं सत्य भारती स्कूल अढ़ोन में प्री प्राइमरी टीचर हूँ। आज हम TLM के जरिए बच्चों को कैसी कैसी काउंटिंग सिखा सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम एक डोल के साथ एक पोयम करेंगे, पोयम का नाम है आओ अपनी गुड़िया को गिनती सिखाएं। जैसे ये कौन आया आपके पास, इसका नाम है पिंकी, ये आपको आज एक पोयम करवाएगी। इसके साथ गाएंगे, यस, आओ अपनी गुड़िया को गिनती सिखाएं। बोल गुड़िया एक, तुझे मिलेगा केक। बोल गुड़िया दो, जो लेना चाहो लो। बोल गुड़िया तीन, चलो बजाएं बीन। बोल गुड़िया चार, ले लो एक कार। बोल गुड़िया पांच, चलो दिखाएं नाच। हम अपनी सेट इंडक्शन एक डोल के साथ कर सकते हैं और अन्य भी कई सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी काउंटिंग की सेट इंडक्शन कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने एक चार्ट बनाया है, ये मैंने एक 3D चार्ट बनाया है। इसमें बच्चों को, क्योंकि बच्चे आज के टाइम में लर्निंग बाय डूइंग है, तो जितना ज़्यादा बच्चे करके सीखेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको याद रहेगा। तो मैं अभी अपने चार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो मैंने काउंटिंग का चार्ट बनाया है। इसके लिए हम बच्चों को जो अपने आसपास जितने भी सारे रियल ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे उनके साथ आपने बच्चों को काउंटिंग सिखानी है। कई बार क्या होता है कि बच्चों को काउंटिंग तो पता होती है, लिखना पता होता है, बट उनको काउंटिंग में क्वांटिटी पता नहीं होती कि चार में कितनी चीज़ें आएंगी। तो हमने उसी को सिखाने के लिए स्पेशली चार्ट बनाया है। लेकिन जो चार्ट से हम करवाएंगे आज, अपने आसपास से कुछ भी अपने रियल ऑब्जेक्ट लें, आपको क्लास से, आपको स्कूल से, कहीं से भी कुछ भी मिल जाएगा इजीली। बिल्कुल एक ऐसा चार्ट बनाएंगे, इसमें हमने एक डिस्पोजल्स कप लगाए हैं, यहाँ हमने काउंटिंग लिखी है, साथ में उनकी क्वांटिटी लिखी है। बच्चे से काउंटिंग करवाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4। इसके लिए हम चार चीज़ें ही काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, और बच्चों को बोलेंगे इसके अंदर आपने उतनी ही चीज़ें डालनी है जितना यहाँ पे नंबर लिखा है। कैसा लगा? तो ऐसे ही हम बच्चों को बोलेंगे, जैसे 1 और 2। तो बच्चे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, अपने स्कूल से मार्कर भी ले सकते हो। 1 और 2, कैसा लगा आपको? इसमें आप स्टोन्स भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है 1, और एक ध्यान रखना है, बच्चे से सिर्फ 3 नहीं बुलवाना है, हमने साथ में उनको गिनवाना है। क्योंकि यहाँ पे हमारा इस चार्ट का जो मकसद है, हमने बच्चों को गिनवाना सिखाना है, क्वांटिटी सिखानी है कि कितने नंबर्स में कितनी चीज़ें होती हैं। जैसे 1, 2, 3, हम अपने आसपास से पड़े हुए स्टोन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से लिए हमने 1, 2 और 3, तो हम बच्चों को बोलेंगे इसमें उतने ही ऑब्जेक्ट डालें जितने आपने नंबर्स देखे हैं। ऐसे ही आप अलग अलग तरीके के चार्ट बना सकते हो। आप यहाँ पे, मैंने जैसे डिस्पोजल यूज किए हैं, आप यहाँ पे छोटे छोटे बुक्स बना के भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे एक एनवलप टाइप कुछ लिफाफा बना के भी लगा सकते हो। और क्या होगा, इस चार्ट से जितनी भी हम लर्निंग करवाएंगे बच्चों को, काउंटिंग करवाएंगे, वो लाइफ टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, और बच्चे अपने घर में भी जाकर सब काउंटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो इसमें आप अपने चौक का भी यूज कर सकते हो गिनवाने के लिए, इसमें आप पेंसिल्स भी अपने स्कूल से ही यूज कर सकते हो, कहीं से भी आप वैक्स कलर भी यूज कर सकते हो। तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है और बच्चों को काउंटिंग गिनवा कर सिखाना है। जैसे नंबर्स तो बच्चों को याद रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कई बार कि कितनी चीज़ें उसमें आएंगी। तो आप एक 3D चार्ट को ऐसे बना के आप बच्चों को काउंटिंग करवा सकते हैं। थैंक यू।